मुर्दाबाद मुर्दाबाद नरगदलाल जी एम सिरसा मुर्दाबाद मुर्दाबाद कोसनवाड़ा जी एम सिरसा मुर्दाबाद 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 का निजीकरण नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा कर्मचारी करो जो कोसनवाड़ा जी एम मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज का तो हमारा धरना है। हम जब से ये नया ठेकेदार आया जनवरी से, तब से लेके इन्होंने 5-5 हज़ार रुपये तमाम कर्मचारी से मांगे थे, जबकि 34 कर्मचारी हमारे सफाई कर्मचारी और चौकीदार 6 साथी पैसे देने में सक्षम नहीं थे, जिनको नौकरी से हटा दिया था और लोगों ने ब्याज पे लेके 5-5 हज़ार रुपये ठेकेदार को दे दिए थे। इसका संज्ञान इन्होंने हमारे को तालमेल कमेटी के साथियों को दिया, हमने GM को नोटिस दिया, प्रूफ भी करवाया, उनकी वीडियोग्राफी भी करके दिखाई हमने ठेकेदार की। GM ने कोई कार्रवाई नहीं करी, हमने GM का घेराव किया, GM और ठेकेदार के बीच समझौता हुआ, हमारे को रिटर्न में दिया। अभी तमाम कर्मचारियों के पैसे वापस दे दूंगा और जो हटाए हुए 6 कर्मचारियों को ड्यूटी पे ले लूँगा। ट्रांसफ़र GM साहब के ट्रांसफ़र होने के बाद कौशल साहब नए महाप्रबंधक महोदय आए, इन्होंने भी हम नोटिस दिया था 27 तारीख को, बताया था सारी मतलब घटनाक्रम का चक्कर बताया, इनसे भी ये गुहार लगाई थी भी जो साथी 6 कर्मचारी हटे हुए उनको ड्यूटी पर लिया जाए और जो 3 साथी डब वाले के उनके 15 हज़ार रुपये दबाया जाए। इन्होंने कहा भी ठीक है दिलवा देंगे, लेकिन आज हमने 4 तारीख को 10 बजे का टाइम दिया था GM साहब को, जो अभी तक कोई कार्रवाई हो ना ही किसी किस्म के ऊपर से बुलावा आया है, ना ही GM साहब ने कोई रिटर्न में इस नोटिस का जवाब दिया, इसलिए आज हम सांकेतिक धरना है, आज धरना चलाएंगे, आज आज का टाइम है GM साहब के पास। अभी GM साहब ने AO साहब को भेजा था हमारे पास भी आप धरना समाप्त कर दो, ठेकेदार जो 15 हज़ार रुपये बैलेंस था वो देने के लिए डब्बा वाली चला गया है, फिर भी आज अगर किसी कारण पैसा नहीं देता तो उसके बिल में से रिकवरी करके उसकी भरपाई कर देंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 2 साथियों को ड्यूटी पर ले लिया गया है, 4 साथी हैं, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी, जैसे वो ढाना बस स्टैंड है और है, उनको जल्दी ही ड्यूटी पर ले लिया जाएंगे। ये अभी थोड़ी देर में रिटर्न में भी हमारे पास आएगा, उसके बाद हम फिर आपको अवगत करा देंगे क्या